यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, जिन लोगों की टिकट वेटिंग लिस्ट में थी और चार्ट प्रिपेयर होने के बाद भी उनकी टिकट कंफर्म नहीं हो पाई है, तो उन लोगों के लिए आवश्यक सूचना दोस्तों। जिन लोगों ने अपनी टिकट ऑनलाइन ले रखा था और उनके टिकट चार्ट प्रिपेयर होने के बाद भी कंफर्म नहीं हो पाई है, तो ऐसे लोगों की टिकट IRCTC की तरफ से ऑटोमेटिक कैंसिल कर दी जाएगी और उनका रिफंड उनको 5 to 6 working days में वापस कर दिया जाएगा, उन्हीं के अकाउंट में वापस ऑटोमेटिक कैंसिल करके कर दिया जाएगा। साथ में वो अगर चाहें तो अपनी टिकट को खुद भी कैंसिल कर सकते हैं, रिफंड प्रोसेस सेम रहेगा, 5 to 6 days में उनको उनका रिफंड मिल जाएगा। जिन्होंने वेटिंग टिकट काउंटर से लिया हुआ है वो काउंटर पे जाके अपनी टिकट को सबमिट करवा सकते हैं और वो वहाँ से रिफ़ंड ले सकते हैं। वेटिंग टिकट पे जो आपको IRCTC की तरफ से रिफ़ंड दिया जाता है वो पर टिकट 60 रुपीज़ और साथ में GST कट करके आपको वापस किया जाता है। पर टिकट 60 रुपीज़ प्लस GST आपको कट करके वापस कर दिया जाएगा अगर आपकी टिकट वेटिंग है और चार्ट बनने के बाद भी कंफर्म नहीं हो पाया है तो। ये वेटिंग रूल सभी क्लासों के लिए एक जैसा है, चाहे आपकी टिकट स्लीपर क्लास में हो या आपकी टिकट AC क्लास में हो। साथ में ये रूल तत्काल टिकट पे भी अप्लाई करता है कि अगर आपकी टिकट कंफर्म नहीं हो पाती है चार्ट प्रिपेयर होने के बाद भी, तो जो अमाउंट होगा वो आपको 60 रुपीज़ और GST डिडक्ट करके आपको वापस कर दिया जाएगा। आपको टिकट खुद से कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटो कैंसिल कर दी जाएगी अगर आपकी टिकट ऑनलाइन आपने ले रखा है तो। ऑफलाइन के लिए आपको काउंटर पे जाके सबमिट करवाना होगा। दूसरी चीज़, अगर आपके टिकट RSC में है और चार्ट बनने के बाद वो फुल कंफर्म नहीं हो पाया है, तो ऐसे में अगर आप यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो RSC के लिए जो IRCTC में रूल है कि आप अपने टिकट को 30 मिनट मतलब आधे घंटे पहले ट्रेन के डिपार्चर टाइम से पहले आप कैंसिल करवा सकते हैं, जिसमें आपको सेम जो वेटिंग क्लास का चार्ज था 60 रुपीज़ और साथ में GST कट करके आपका अमाउंट आपको वापस कर दिया जाएगा। ट्रेन डिपार्चर के 30 मिनट पहले तक आप अपने RSC टिकट को कैंसिल करवा सकते हैं और अपना रिफंड अमाउंट वापस ले सकते हैं दोस्तों। रिफंड अमाउंट सभी क्लासों के लिए सेम है, चाहे आपके टिकट स्लीपर क्लास में हो या आपके टिकट AC क्लास में हो, सबके लिए 60 रुपीज़ और साथ में GST है। वेटिंग के लिए भी सेम है और RSC के लिए भी सेम है दोस्तों। तो ये छोटी सी जानकारी थी आप लोगों के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मुझे मेरे दिए गए हुए Insta ID और Facebook ID पे डायरेक्ट मैसेज करके भी कुछ भी रेलवे से रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।